हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ एसबी सिंह। मैं आज के अपने इस वीडियो में आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की दो विधियों को विस्तार से बताया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण क्या होता है। आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण इस विधि में सारणीकृत तथा पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण की तुलना में आंकड़ों के द्वारा आंकड़ों का प्रभावपूर्ण तथा तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं आप कि जो हमने दो विधियां आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की इसके पहले पढ़ी है, पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण और सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, उन दोनों विधियों की तुलना में आरेखी प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को जल्दी समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, यह मूर्त रूप में होता है, जबकि बाकी दो विधियों में आंकड़े अमूर्त रूप में होते हैं। अब आरेखी प्रस्तुतिकरण की भी कई विधियां हैं, प्रयोग में आ रही है सांख्यिकी में, परंतु इनमें से ये तीन विधियां जो है ये महत्वपूर्ण है, ज्यामितीय आरेख, ज्यामेट्रिक डायग्राम, बारंबारता आरेख, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अंक गणितीय रैखिक आरेख, अर्थमेटिकल लाइन डायग्राम। अब इसमें हम देखते हैं कि ज्यामितीय आरेख क्या होता है। ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत दो प्रकार के आरेख आते हैं, दंड आरेख और वृत्त आरेख। दंड आरेख के अंतर्गत भी तीन प्रकार के दंड आरेख आते हैं, सरल दंड आरेख, जिसको दंड आरेख को हम बार डायग्राम बोलेंगे, और वृत्त आरेख को पाई डायग्राम। सरल दंड आरेख को हम सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं, बहुदंड आरेख को मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं, घटक दंड आरेख को हम कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं। अब हम दंड आरेख के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आज के इस वीडियो। तो अब हम दंड आरेख को विस्तार से देखते हैं। इसमें सबसे पहले सरल दंड आरेख को देखेंगे, सिंपल बार डायग्राम। सरल दंड आरेख के अंतर्गत समान अंतरालों तथा समान विस्तार वाले आयताकार दंडों का एक समूह प्रत्येक श्रेणी वर्ग के आंकड़ों को दर्शाता है। दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़े के परिमाण को प्रकट करती है। अर्थात सरल दंड चित्र में समान विस्तार वाले, समान चौड़ाई वाले दंड बनाए जाते हैं, जिनके बीच की दूरी जो होती है वह एक समान होती है। दंड की जो ऊंचाई होती है वह आंकड़े के परिमाण को बताती है, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ देश लिए हैं और प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अर्थात जन्म दर को लिया है। अब इसे हमने यहाँ पर डायग्राम के रूप में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने कहा कि समान अंतराल तथा समान विस्तार, अर्थात इन दंडों के बीच की जो दूरी होगी यह क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि दंडों की जो चौड़ाई होती है वह उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, वह केवल आकर्षक लगने के लिए बनाए जाते हैं। यह निर्भर करता है कि आपके पास परिमाण आंकड़े कितनी बड़ी मात्रा में है। आंकड़े कम मात्रा में है तो चौड़े दंड बना सकते हैं, आंकड़े बहुत अधिक मात्रा में है तो दंड की चौड़ाई कम कर सकते हैं। दंड की ऊंचाई ही महत्वपूर्ण होती है जो आंकड़ों के परिमाण को बताती है। अब किस तरह बनाते हैं इसको हम देखते हैं। यहां पर हमने देखा जैसे चीन के आंकड़े को प्रदर्शित करना है तो हमने यहां पर जीरो से शुरू किया, आधार से शुरू करते हैं, या आधार जीरो से शुरू होकर के जहां तक एक आंकड़ा जाएगा, अगर 40 तक है तो हम 40 तक इसको लेके जाएंगे, और इस तरह अपने स्वयं के द्वारा तय किए गए
एक चौड़ाई ले लेंगे, इसको हम एक आरेख के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो चौड़ाई अपने हिसाब से लेकर के समान अंतराल पे फिर दूसरे देश, फिर उससे अलग देश के जो है दंडों का हम निर्माण करेंगे। जैसे कुछ दंड हम और दिखा दे रहे हैं, जैसे इंग्लैंड का दंड बनाएंगे आप, जर्मनी का दंड बनाना हो तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लगभग यहां आएगा, तो जो जर्मनी का दंड बनेगा समान ऊंचाई, तो समान ऊंचाई हमने लिया या समान ऊंचाई सॉरी समान चौड़ाई का एक दंड हमने बना लिया। चौड़ाई समान होनी चाहिए और इन दंडों के बीच की जो बीच अंतराल है वह भी समान होना चाहिए। दंडों की ऊंचाई ही महत्वपूर्ण होती है जो आंकड़ों के परिमाण को बताती है। अब हम दंड आरेख के अंतर्गत बहुदंड आरेख को देखेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है। बहुदंड आरेखों का प्रयोग दो या अधिक आंकड़ा समुच्चयों की तुलना के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको एक साथ ये दिखाना हो कि किसी छात्र के का रिपोर्ट कार्ड देना हो कि विभिन्न विषयों में उन्होंने प्रत्येक कक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट के प्रत्येक कक्षा में अगर उसने 5 विषय लिया है तो प्रत्येक कक्षा में 5 विषयों को आपको प्रदर्शित करना है। या फिर सपोज करिए कि आप 2 ही विषय केवल लेते हैं, मैथ और कोई भाषा ले लेते हैं, मैथ या साइंस का आप देखना चाह रहे हैं एक ही छात्र के, तो कक्षा 6 से शुरू करते हैं तो मैथ के लिए एक डायग्राम स्टूडेंट का बनाया और साइंस के लिए एक डायग्राम। इस तरह अगर मान लीजिए कि ये 100 में 60 नंबर को दिखा रहा है और ये जो है 70, 60 अंक प्राप्त किए, 70 अंक प्राप्त किए कक्षा 6 में, तो इसी तरह कक्षा 7 का भी आप बना सकते हैं। कक्षा 7 में मान लीजिए उसने पहले से कम अंक प्राप्त किया, मैथ का ये हो जाए तो पहले से कम अंक प्राप्त किया और बाद साइंस में जबकि उसने प्रोग्रेस किया पहले से और अधिक अंक प्राप्त, तो ये कक्षा 7। इस तरह से जब दो आंकड़ों की तुलना करनी हो, जैसे कि विभिन्न वर्षों में कितना व्यय हुआ है और कितनी आमदनी हुई है, या फिर किसी देश में विभिन्न वर्षों में कितनी कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ, तो इस तरह के आरेख का प्रयोग किया जाता है बहुदंड आरेख। तो बहुदंड आरेख को जो आपकी बुक में एनसीईआरटी के दिया है उस उदाहरण को भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर भारत के कुछ प्रमुख राज्य हैं, इनमें महिला साक्षरता को दिखाया गया है कि 2001 में महिला साक्षरता कितनी थी और 2011 में महिला साक्षरता कितनी थी। तो आप देख रहे हैं 2001 में आंध्र प्रदेश में महिला साक्षरता जो थी वो 50% थी और 2011 में यह महिला साक्षरता बढ़कर के 61.5% हो। इसी तरह आप असम में भी दे सकते हैं कि 2001 में महिला साक्षरता कितनी थी, 2011 में कितनी थी, बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे अधिक केरल में 2001 में भी थी और 2011 में भी सबसे अधिक थी। और भी कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, जैसे इन आंकड़ों को देख करके आप ये देख सकते हैं कि बिहार में महिला साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है जबकि केरल में कम हुई है। इसी तरह आप झारखंड में देख सकते हैं महिला साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश में भी काफी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार का अगर डायग्राम बनाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुदंड आरेख कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक आंकड़ा समुच्चयों की तुलना की जाती है। अब हम घटक दंड आरेख को देखते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम। घटक दंड आरेख का प्रयोग
विभिन्न घटकों के आकारों की तुलना करने के लिए तथा इन घटकों तथा उनके विभिन्न अंगों के संबंधों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे किसी भारतीय परिवार के कुल व्यय को देखना है कि उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया, बिजली पर कितना खर्च किया और उपभोक्ता वस्तुओं पर कितना खर्च किया, तो उसकी आय, उसके कुल व्यय को हम इन तीन मदों में बांटकर एक ही दंड में दर्शा सकते हैं। जैसे हम अपनी आपकी बुक का उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर एक सारणी दी गई है। सारणी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन दिखाया गया है बिहार राज्य में। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 6 से 14 वर्ष में लड़के जो है 91.5% जो है वह नामांकित है और 8.5% जो है उनका विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसको इस तरह देखिए। अब यहां चूंकि आंकड़ा प्रतिशत में दिया गया है, तो प्रतिशत में दिया गया है तो दंड की ऊंचाई जो है हम 100 के बराबर रखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मान जो होता है पूर्ण रूप से कितना होता है, अगर पूर्ण है तो 100 है, 100% है। यदि प्रतिशत में आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं तो आंकड़े संपूर्ण का जितना मान होगा, अगर हम जैसे किसी परिवार के व्यय का लेखा जोखा रख रहे हैं, अगर उसने 10,000 रुपये महीने खर्च किए हैं तो हम आंकड़े दंड की ऊंचाई जो है वो 10,000 रुपये के बराबर उचित पैमाने में रखेंगे। अर्थात अगर आंकड़ा प्रतिशत में है तो 100 में, अन्यथा की स्थिति में आंकड़े का जो मान होगा उस हिसाब से उसकी ऊंचाई रखेंगे। तो यहाँ हमारा उदाहरण जो है प्रतिशत में है, तो हमने आंकड़े की दंड की ऊंचाई जो है वो 100 रखा है। तो 100 में से हम यहां से देख लेंगे 91.5 जो है ये आपका हो गया नामांकित बच्चों की संख्या, नामांकित लड़कों की संख्या, जबकि गैर नामांकित जो है वो 8.5%। अर्थात एक ही दंड में हमने नामांकित भी दिखा दिया और गैर नामांकित भी दिखा दिया। इसी तरह से लड़कियों का कितना है, 58.6% जो है ये नामांकित है और गैर नामांकित जो है 41.4%। इसमें सभी दंड की ऊंचाई एक समान है क्योंकि ये सभी आंकड़े प्रतिशत में दिखाए गए। अगर आंकड़े प्रतिशत में न दिखाए जाए तो इनकी ऊंचाई अलग अलग भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसके टोटल के लिए हम अलग से दंड बना सकते हैं और आवश्यकता नहीं है तो टोटल का दंड बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। घटक दंड आरेख में दोनों घटकों को अलग करने के लिए यहां पर हमने क्या किया है कि एक घटक के लिए हमने इस तरह लाइनिंग कर दी है और दूसरे को सादा छोड़ा है। इस तरह आप अलग अलग तरीके से अलग करने के लिए इसको छायांकित भी कर सकते हैं या अन्य विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। घटक दंड में यहां हमने केवल दो घटकों को लिया है, दो से अधिक घटक भी हो सकते हैं। जैसे हमने बताया कि एक परिवार के व्यय का अगर ब्यौरा देखना हो तो वहां पर एक परिवार के जो व्यय होते हैं कई मदों में होते हैं, शिक्षा पर होता है, बिजली पर होता है, उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च होता है और सेविंग में खर्च होता है। तो इस तरह से एक दो से अधिक घटक हो। तो आज की इस वीडियो में हमने आरेखी प्रस्तुतिकरण में दंड आरेख को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त आरेख अर्थात पाई डायग्राम को समझेंगे। धन्यवाद।